बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें समकालीन भारत का सबसे बड़ा जयचंद बताया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह आज के भारत के सबसे बड़े जयचंद हैं और ऐसे जयचंदों का चरित्र मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता जानती है। अब उनके इस बयान पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी नेताओं की मती मारी गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अरे भारत का ये आज का सबसे बड़ा जयचंद है, ये दिग्विजय सिंह मैं कह रहा हूं। ऐसे जयचंदों को मध्य प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता जानती है, आपके चरित्र को पहचानती है। आप चाहे लोकतंत्र की यात्रा निकालो, चाहे शहीद स्मारक बनाने की बात करो, आप अपमान, आपने राम मंदिर पर अस्तित्व ही कह दिया था, अस्तित्व ही नहीं है राम मंदिर का। राम सेतु कहाँ है, कौन कहता राम सेतु है? और अब आप ये ठपली बजाओ, चाहे नौटंकियां करो, आपके छल कपट झूठ मंडली को भारत, संपूर्ण भारत और मध्य प्रदेश तो जनता जानती है, इसलिए तो चेहरा छिपा रहे हैं आप। तो इसलिए कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह या कोई भी हो, अब मध्य प्रदेश में आपका अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब जयचंद कौन है ये तो वो तय करें, इसको वो तय करेंगे कि जयचंद कौन है, जिसने कांग्रेस पार्टी को दगा दिया, हमारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में खुद सम्मिलित, पार्टी को भी सम्मिलित करा दिया, विधायक को सम्मिलित करा दिया, हमें चुनाव की नौबत हमारे बीच आई है।